नेताओं की शिक्षा पर बयान देकर बुरी तरह फंसी काजोल, लोगों ने नेपोटिज्म की दिलाई याद, एक्ट्रेस ने फिर दी सफाई। आप हमारे साथ आगे तक वीडियो में बने रहे, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। नमस्कार, फिल्मी संवाद में आप सभी का स्वागत है। काजोल हिंदी सिनेमा की उन चुनिंदा एक्ट्रेस में शुमार है जो अपनी दमदार एक्टिंग के साथ बेबाक राय और बिंदास एटीट्यूड के लिए भी जानी जाती है। काजोल हमेशा अपनी बात खुलकर सामने रखती है, लेकिन इस बार एक्ट्रेस ने अपने एक बयान में देश के नेता को अशिक्षित बता दिया, जिस पर बवाल मच गया। सोशल मीडिया यूजर्स एक्ट्रेस को उनके वायरल कमेंट पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोलिंग पर अब एक्ट्रेस ने चुप्पी भी तोड़ी है। दरअसल काजोल जल्द ही वेब सीरीज द ट्रायल से ओटीटी पर अपना डेब्यू करने जा रही हैं। वेब सीरीज का एक्ट्रेस फुल जोश में प्रमोशन करने में बिजी है। इसी दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने देश के नेताओं की पढ़ाई और स्लो ग्रोथ पर कमेंट कर दिया, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। एक्ट्रेस ने कहा, बदलाव खासकर भारत जैसे देश में धीमी है, ये बहुत ज्यादा ही स्लो है क्योंकि हम अपनी परंपरा और विचारों में डूबे हुए हैं और इसका निश्चित रूप से इसका संबंध शिक्षा से है। काजोल ने आगे कहा, आपके पास ऐसे राजनीतिक नेता है जिनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, मुझे खेद है, लेकिन मैं बाहर जाकर यह कहूंगी, देश पर नेताओं का शासन है। इनमें से बहुत से नेता ऐसे हैं जिनके पास सही नजरिया तक नहीं है, जो सिर्फ शिक्षा से आता है। नेताओं की शिक्षा पर काजोल का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, ट्रोलिंग के बाद काजोल ने एक ट्वीट के जरिए अपने वायरल बयान पर सफाई भी दी। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर लिखा, मैं केवल शिक्षा और उसके महत्व के बारे में बात कर रही थी। मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक नेता को नीचा दिखाना नहीं था। हमारे पास कुछ महान नेता हैं जो देश को सही रास्ते पर लेकर चल रहे हैं। अब काजोल के बयान को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी राय दे दी। प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में लिखा, तो काजोल का कहना है कि हम उन नेताओं द्वारा शासित हैं जो अशिक्षित हैं और जिसके पास कोई विजन नहीं है। कोई भी नाराज नहीं है क्योंकि ये उनकी राय है, कोई सच नहीं है। उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया है, लेकिन सभी भक्त नाराज हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे फिल्मी संवाद के साथ। मैं थी नम्रता, धन्यवाद।